हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो जीआरएससी की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 11.90 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मणिरत्न पीएसयू है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहा गया है 6 जून 2023। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर नावल आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें आप लोग का पे स्केल E1 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 11.90 लाख पर एनम मिल जाएगी, जिसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग नावल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, नावल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्चर एंड मैराइन इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए, जिसमें आप लोगों को सेम सीटीसी मिल जाएगी, एज लिमिट भी यहीं पे सेम रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाई की हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए, जिसमें आप लोग को सीटीसी 11.90 लाख पर एनम मिल जाएगी, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 28 इयर्स तक रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन और मैराइन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके बीवीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके बीवीटेक में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। लैटरल एंट्री वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग आपके बीवीटेक में फाइनल ईयर पे हो तो भी आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहीं पर नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग को उसको प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करने के बाद उसके साथ आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा जीआरएससी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस, और उसके बाद आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस में मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 12 जून 2023 से पहले ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा।
सिलेक्शन प्रोसेस में असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए फर्स्ट आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। इसमें आप लोग का जो रिटेन टेस्ट होगा वो जुलाई 2023 पे होगा और एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता पे रहेगी। अगर आप लोग रिटेन टेस्ट देने के लिए जाते हो तो उस टाइम कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह आप लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट में से क्वेश्चंस रहेगी। टोटल पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट होगा आप लोग का पार्ट वन। पार्ट वन में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। और पार्ट टू में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटीज में से 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 25 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 85 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 85 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल एग्जामिनेशन के लिए टाइम ड्यूरेशन रखा गया है 90 मिनट्स। इसमें आप लोग का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे रहेगी और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेगी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहीं पे नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। और एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 6 जून 2023, और एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 12 जून 2023। रिटेन टेस्ट का जो डेट, टाइमिंग और वेन्यू है वो आप लोगों को बाद में नोटिस के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यही इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी। इसमें फर्स्ट आप लोग को फ्रेश कैंडिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ यहीं पर फिल करना है। उसके बाद आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग को यहीं से चूज करना है। और उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद येस ऑप्शन को चूज करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी लॉक्ड इन कैंडिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपको आपकी ईमेल आईडी और पोस्ट चूज करने के बाद पासवर्ड फिल करना है और उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जर्नलिज्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।